आज का जो लेक्चर है वो है मैट्रिक्स ऑपरेशन के ऊपर कि मैट्रिक्स में कौन से ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे जो हेडिंग है आई जेथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में आई जेथ एलिमेंट क्या होते हैं। लेट ए बी आ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ए कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन, उसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है। वेयर एम एन आर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम रिस्पेक्टिवली। जो एम और एन है वो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को ज़ाहिर करते हैं, यानी जो एम है वो नंबर ऑफ रो को ज़ाहिर करता है, जो एन है नंबर ऑफ कॉलम को ज़ाहिर करता है, रिस्पेक्टिवली होता है बिलकती। देन ए आई जे रिप्रजेंट ए आई जे जो ज़ाहिर करता है वो द आई रो एंड जे कॉलम इंट्री ऑफ मैट्रिक्स। जो कॉलम और रो के दरमियान जो इंट्री है उसको ज़ाहिर करता है कि उसकी इंट्री वो किस जगह पर है। फॉर एग्जाम्पल ए वन टू रिप्रजेंट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम इंट्री। जो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है जो इंट्री है जहाँ से बनता है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये उस इंट्री को ज़ाहिर करता है। सिमिलरली इसी तरह ए थ्री टू रिप्रजेंट थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। थर्ड रो सेकेंड कॉलम है जो इंट्री बनती है उसको ज़ाहिर करता है। द कॉलम्स ऑफ ए आर वेक्टर इन आर एम। जो ए के कॉलम होते हैं वो वैक्टर होते हैं आर एम। आर एम को रियल नंबर्स होते हैं एंड डिनोटेड बाई बोल्ड फेस, उनको बोल्ड फेस से ज़ाहिर करते हैं दिन गहरे रंग से ए वन ए टू ए एन। दीज कॉलम्स आर जो कॉलम्स होते हैं उसको इसे ज़ाहिर करते हैं ए मैट्रिक्स या फिर कॉलम है ए वन ए टू ए एन। द नंबर आई जे इज द आईथ इंट्री फ्रॉम द टॉप ऑफ जेथ कॉलम वेक्टर ए जे। जेथ कॉलम है और ये आई रो है, ये ऊपर जे लिखा हुआ है ना, ये रो के साथ आई लिखा हुआ है, इन दरमियान जो भी इंट्री है उसको इधर कहते हैं, ये मैट्रिक ए है ए वन ए जे ए एन तक ये जा रहा है। अब दरमियान में जो पहली इंट्री है वन वन, ये पहली रो पहला कॉलम में जो इंट्री है, नीचे जो भी जाएगा जितनी भी रो होगी पहला कॉलम दूसरी रो इसी तरह ये बता रहा है कि ये आई रो है। ये रो को आई के ज़ाहिर किया गया कि रो कितनी भी जा रही है, फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है, ये नंबर है आई तक जा रहे हैं एम तक जा रहे हैं, एम कोई भी लास्ट जो भी रो है। वैसे कॉलम जेथ है सेकंड थर्ड फोर्थ और एन तक जा रहा है, कोई भी नंबर जहाँ तक जा रहा है ये जेथ कॉलम है। आगे डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स की कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ये डायगोनल मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। अब ये डायगोनल जो मैट्रिक्स की नॉन डायगोनल इंट्रीज हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए, वो मैट्रिक डायगोनल होगा वो, लेकिन उसका जो डायमेंशनल है यानी जितनी उसकी रोज हैं उतनी कॉलम होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। द डायगोनल इंट्रीज इन ए इक्वल टू आई जे आर ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री। दे इंट्री फॉर्म द मेन डायगोनल ऑफ ए। ये जो इंट्री है मेन डायगोनल बनाती है, यानी पहली रो और पहले कॉलम की एंट्री दूसरी रो और दूसरे कॉलम की एंट्री तीसरी रो तीसरे कॉलम की एंट्री से इधर आगे जा रही है चौथी रो चौथी कॉलम की एंट्री। एग्जांपल है जिसमें ये पाँच और सात ये डायगोनल बना रहा है इस तरह कि देखें टू थ्री और अलेवन है जो इनकी एंट्रीज हैं ये डायगोनल बना रही हैं, बाकी एंट्री जीरो हैं। देखें वन जीरो सिक्सटीन जीरो ये डायगोनल हैं, बाकी इसकी एंट्री जीरो हैं। इनमें से एंट्री जो डायगोनल में कुछ ज़ीरो हो सकती हैं। अगर नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है। एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एन मैट्रिक्स है उस इंट्रीज आर ज़ीरो इज आर नल आर ज़ीरो मैट्रिक्स, जिसकी तमाम इंट्रीज ज़ीरो हों उसे नल मैट्रिक्स आर या ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इट एंड इज ऑलवेज रिटन एज ओ, इसे ओ के से ज़ाहिर किया जाता है। नल मैट्रिक्स मे बी ऑफ एनी ऑर्डर, जो नल मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो पहला मैट्रिक्स है थ्री क्रॉस थ्री यानी तीन रो तीन कॉलम है,
दूसरी जी एग्जांपल इसमें तीन रो और दो कॉलम है, चौथी एग्जांपल में चार रो और पांच कॉलम है, इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिक्स किस तरह होते हैं, दो मैट्रिक किस तरह इक्वल हो सकते हैं। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, दो मैट्रिक्स को उस वक्त इक्वल कहेंगे इफ दे हैव द सेम साइज, अगर उनका साइज सेम है, मीन द नंबर द सेम नंबर ऑफ रो सेम नंबर ऑफ कॉलम, या नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम एक जैसे हों तो हम कहेंगे वो सेम है, एंड सेम क्रॉसपोंडिंग एंट्री और क्रॉसपोंडिंग एंट्री भी सेम हो। कंसीडर मैट्रिक्स, एक पहला मैट्रिक्स है ए 2 1 3 x+1 और बी है 2 1 3 5 और सी है 2 1 0 3 4 0। द मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं इफ एंड ओनली इफ इफ x+1 = 5 और x = 4। x को 4 पुट करें तो वो दोनों इक्वल, यानी कि उनके सामने की एंट्री भी सेम हो। अगर ए मैट्रिक्स में x की जगह 4 पुट करें तो वो भी 5 बन जाता है, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। इफ दे आर नो वैल्यू फॉर x फॉर विच ए इक्वल टू सी, लेकिन ए और सी इक्वल नहीं है, इनमें कोई वैल्यू भी x की नहीं है जो पुट करें तो ये दोनों इक्वल हो जाएं। सिंस ए एंड सी हैव डिफरेंट साइज, और क्योंकि ए एंड सी का साइज मुख्तलिफ है। इफ ए एंड बी आर एम क्रॉस एन मैट्रिक, अगर ए एंड बी एम एन क्रॉस एन मैट्रिक हैं तो देन द सम, अगर उनको जमा ए प्लस बी इज दी एम क्रॉस एन मैट्रिक, तो उनका भी जो डायमेंशन है एम क्रॉस एन मैट्रिक होनी चाहिए, उस कॉलम आर द सम ऑफ द क्रॉसपोंडिंग कॉलम इन ए एंड बी, तो जो क्रॉसपोंडिंग कॉलम है वो भी आप उसमें सम होंगे। ईच एंट्री ए एंड बी इज द सम ऑफ द क्रॉसपोंडिंग एंट्री ए एंड बी, जो भी ए एंड बी हैं उनकी एंट्री जो एक सामने पड़ी उसी की जगह आपस में ऐड होंगी। द सम ए एंड बी इज डिफाइंड ओनली व्हेन ए एंड बी आर ऑफ द सेम साइज, ए एंड बी उस वक्त होगा जब ए एंड बी का साइज सेम होगा, यानी प्लस का उस वक्त होगा जब दोनों मैट्रिक्स एक जैसे होंगे, साइज उनका सेम होगा। इफ आर इज स्केलर, आर कोई स्केलर है एंड ए इज मैट्रिक, एक मैट्रिक है, देन द स्केलर मल्टीपल आर ए इज मैट्रिक, आर ए भी एक मैट्रिक है, जब स्केलर के साथ कोई भी नंबर मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई होगा उस कॉलम आर आर टाइम कॉलम द करस्पोंडिंग कॉलम इन ए, तो वो भी जो भी नंबर होगा उस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, जितने कॉलम हैं उसके अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। नोट नेगेटिव ऑफ मैट्रिक इज डिफाइंड एज, नेगेटिव मैट्रिक को किस डिफाइन कर एज उसके साथ माइनस ए, मीन 1 - a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। द डिफरेंट ऑफ ए एंड बी रिटर्न है, इनको दोनों के डिफरेंट लिखेंगे ए माइनस बी, विच मीन ए प्लस इंटू माइनस 1 b से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये चीज़ें आगे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल है 3 4 4 मैट्रिक दिए हुए हैं ए बी और सी, और ए प्लस बी दिया हुआ है, इन दोनों को ऐड करके तो ये ए प्लस बी भी ये मैट्रिक्स है। बट ए इज नॉट डिफाइंड बिकॉज ए एंड सी हैव डिफरेंट साइज, यहाँ ए और बी तो जमा हो सकते हैं आपस में, जमा होंगे जैसे ए है ए का 4 1 में ऐड हुआ, ए का 0 1 में, 5 का 5 और उसका 1 ऐड हुआ, -1 और 3 ऐड हुए, 3 और 5 ऐड हुए, 2 और 7 ऐड हुए, इन क्योंकि दोनों का साइन सेम है, साइज सेम है तो ये आपस में ऐड हो गए हैं, लेकिन ए और सी आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि दोनों का साइज डिफरेंट है, वहाँ 2 रो और 3 कॉलम है, यहाँ 2 रो और 2 कॉलम है। देखिए अब 2b है, ये 2 कोई भी स्केलर है पूरे मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी पूरे जो इतने कॉलम थे उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 6 और 2 1 5 से मल्टीप्लाई, 2 10 बन गया, और 2 1 7 से मल्टीप्लाई 2 14 बन गया। अब देखें a माइनस 2b है,
या ए है और टू बी, तो आप उसमें जो सम करस्पॉन्डिंग एंट्री है वहाँ से माइनस होगा। फोर से टू माइनस हुआ, टू जीरो से माइनस टू और माइनस टू हो गया, फाइव से टू गया तो माइनस थ्री, माइनस वन और माइनस सिक्स, माइनस सेवन, थ्री और माइनस टेन, माइनस सेवन, माइनस टू और माइनस फोर, टू और माइनस फोर्टीन, माइनस ट्वेल्व। ये हो गया इसका डिफरेंस लेने का तरीका। आगे थ्योरम है, लेट ए बी एंड सी आर मैट्रिक्स ऑफ सेम साइज। ए बी सी एक साइज के मैट्रिक्स हैं। लेट आर एन एस आर स्केलर एंड आर एस कोई भी नंबर दें, तो इनके होगा ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी इक्वल है ए, बाद में आपको बी प्लस सी पहले ऐड करें तो सेम साइगा, ए प्लस में जीरो ऐड करें तो ए वही मैट्रिक्स बनता है, कोई उसका फर्क नहीं पड़ता। अब कोई भी स्केलर ए प्लस बी से मल्टीप्लाई हो तो बी इक्वल होगा पहले अगर आर ए प्लस आर बी, यानी ए प्लस बी को पहले ऐड करें और फिर आर से मल्टीप्लाई करें, अगर आर को पहले ए और बी से मल्टीप्लाई करें फिर ऐड करें तो सेम ही आंसर आएगा। अगर कोई भी स्केलर है आर एस दोनों को ऐड करें और ए से मल्टीप्लाई करें वो बी इक्वल होगा, आर को ए से मल्टीप्लाई करें फिर एस को ए से मल्टीप्लाई करें आप उसमें बाद में ऐड करें तो सेम साइज आएगा, ये सेम नंबर आएंगे। आर और एस होगा पहले एस को ए से मल्टीप्लाई करें फिर आर से मल्टीप्लाई करें सेम, अगर आर और एस को आपस में मल्टीप्लाई करें फिर बाद में ए से मल्टीप्लाई करें। ईच इक्वलिटी इन थ्योरम वन कैन बी वेरीफाइड बाई शोइंग दैट, कोई भी इक्वेशन वन में थ्योरम वन में जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसको वेरीफाई कर सकते हैं, शोइंग द मैट्रिक्स ऑन द लेफ्ट साइड एट द सेम साइज एट मैट्रिक्स ऑन द राइट साइड। जो भी मैट्रिक्स का बनेंगे तो दोनों राइट लेफ्ट साइड पर सेम साइज आएगा, और करस्पॉन्डिंग एंट्री आर इक्वल, जो एंट्री भी होंगी दोनों की वो भी इक्वल होंगी। तो साइज इन नो प्रॉब्लम, या साइज पर मसला आ रही है बिकॉज ए बी एंड सी आर इक्वल इन साइज, ए बी सी एन ये साइज में एक जैसे हैं। दी इक्वलिटी ऑफ कॉलम फॉलो इमीडिएटली फ्रॉम द एनालॉगियस प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। एनालॉगियस प्रॉपर्टी मुसावात की जो प्रॉपर्टीज होती हैं ना, सेम एंड एनालॉगियस प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, वेक्टर की प्रॉपर्टीज हैं। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर इफ जेथ कॉलम ऑफ ए बी एंड सी, जेथ कॉलम ऑफ ए बी सी आर जो कॉलम है ए जे बी जे सी जे रिस्पेक्टिवली बिलतरतीब, देन द जेथ कॉलम ऑफ ए बी प्लस सी एंड ए बी प्लस सी आर इस तरह बनेंगे ए जे प्लस बी जे प्लस सी जे एंड इक्वल ए बाद पहले होगा फिर बी प्लस बी जे प्लस सी जे रिस्पेक्टिवली, सिंस दिस वेक्टर सम आर इक्वल फॉर ई जेथ, तो इनका सम भी इक्वल होगा फॉर ई जेथ के लिए, आर कॉलम के लिए प्रॉपर्टी बी इज वेरीफाइड। बिकॉज ऑफ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन वी सिंपली राइट, जो एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुई है वह हम लिख सकते हैं ए प्लस बी सी फॉर द सम, सम के लिए विच कैन बी कंप्यूटेड इधर ए बी प्लस सी और ए बी प्लस, यानी ए और बी को पहले ऐड करें बाद में सी को ऐड करें और ए बाद में ऐड करें पहले बी प्लस सी को ऐड करें तो सेम आता है, सेम अप्लाई टू द सम ऑफ फोर आर और मैट्रिक, बाकी में भी यही रूल अप्लाई होंगे। मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन किस तरह होगी, मल्टीप्लाइंग एन एम क्रॉस एन मैट्रिक विद एन एन क्रॉस पी मैट्रिक्स रिजल्ट इज एम क्रॉस पी मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है जिसका साइज है एम क्रॉस एन और एक दूसरा मैट्रिक है जिसका साइज है एन क्रॉस पी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा मैट्रिक तो उसका साइज होगा एम क्रॉस पी, यानी जितने पहले की रो हैं जितने दूसरे के कॉलम में मैट्रिक का साइज वो होगा। इफ मैनी मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाई टू गैदर, अगर एक बहुत से ज्यादा मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करें देयर डिमेंशन आर रिटन इन द लिस्ट टोटल, तो उनकी
जो डायमेंशन है उस तरह लिखी जाएगी, मीन एम क्रॉस एन, एन क्रॉस पी, प्री क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस आर, ये चारों मैट्रिक्स हैं। तो अगर ये आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट इज गिवन बाय द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर। तो जो रिजल्ट होगा और जो पहला मैट्रिक लास्ट मैट्रिक है उसका होगा, यानी कि पहले की जो रोज है आखिरी का जो कॉलम है जिसका उतना साइज है वो साइज होगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, ये बहुत जरूरी है कि अपने ध्यान में रखें, दैट दिस डेफिनेशन रिक्वायर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट फैक्टर ए। इसमें जो नंबर को कॉलम है फर्स्ट फैक्टर ए टू बी द सेम एंड नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकंड फैक्टर इन बी, तो पहले के सेम होने चाहिए और दूसरे फैक्टर के रो भी सेम होने चाहिए। व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड द साइज ऑफ ए एंड बी आर सेट टू बी कन्वर्ट टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ये कंडीशन उस वक्त सेटिस्फाइड होती है जब, यानी कि जब मल्टीप्लाई उस वक्त होगा कि पहले के जो जितने पहले में नंबर ऑफ रोज हैं, ये पहले में जितने नंबर ऑफ कॉलम है जितने मतलब पांच हैं, दूसरे में के नंबर रो भी पांच हैं, तब ये आपस में मल्टीप्लाई गए, यानी कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे के नंबर ऑफ आपस में बराबर होने चाहिए। व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड द साइज ऑफ ए एंड बी आर सेट टू बी कन्फर्म प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। द साइज ऑफ ए बी कन्फर्म, कन्फर्म मुताबिक होगा प्रोडक्ट ऑफ ए एंड, प्रोडक्ट जो ए बी की प्रोडक्ट करेंगे। इफ साइज ऑफ ए बी डू नॉट कन्फर्म द अदर प्रोडक्ट ए एंड बी देन प्रोडक्ट इज अनडिफाइंड, अगर इसके मुताबिक उनकी प्रोडक्ट नहीं है साइज के मुताबिक तो फिर प्रोडक्ट नहीं होगी। आगे डेफिनेशन है, इफ ए इज द एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, ए कोई एम क्रॉस एन मैट्रिक है एंड इफ बी इज एन एन क्रॉस पी मैट्रिक, बी एन क्रॉस पी मैट्रिक है विथ कॉलम ए बी ए वन बी वन बी पी तक है बी की, देन द प्रोडक्ट ए बी इज एम क्रॉस पी, तो जो की जो प्रोडक्ट होगी एम क्रॉस पी मैट्रिक उस कॉलम और ए बी से ए बी वन ए बी टू ए बी थ्री ए बी एन इस तरह होगा, ए बी इस तरह है, ए मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा पूरे के पहले के बी के पहले कॉलम के बी के दूसरे कॉलम के बी के तीसरे कॉलम के साथ, यानी सारे जितने कॉलम के साथ जो है पहला मैट्रिक है वो मल्टीप्लाई होगा। दिस डिफिनेशन मेक्स इक्वेशन वन, ये जो डिफिनेशन है ये एक इक्वेशन वन ट्रू करती है फॉर ऑल एक्स इन आर पी, जो तमाम एक्स एन इन आर पी में। इक्वेशन वन प्रूव दैट कंपोजिट मैपिंग ए बी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड मैट्रिक इज ए बी, एट स्टैंडर्ड मैट्रिक ए बी है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक करस्पॉन्डिंग टू कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो मल्टीप्लीकेशन है मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग होती है कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंपोजिशन के। एंड कन्वीनियंट वे, एक आसान तरीका टू डिटरमाइन वेदर ए एंड बी कंफर्म द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, एक आसान तरीका जिससे पता चल सकता है कि ए और बी दूसरे के साथ प्रोडक्ट उनकी हो सकती है, यानी प्रोडक्ट के लिए मुताबिकत रखते हैं। इफ सो फाइंड द साइज ऑफ प्रोडक्ट इज रिटन द साइज ऑफ फैक्टर साइड बाई साइड एज इन फिगर, जो भी है उनका साइज आपस में देखें लिखें, जिस तरह फिगर में दिया गया साइज ऑफ द फर्स्ट फैक्टर ऑन द लेफ्ट एंड साइज ऑफ सेकंड फैक्टर ऑन द राइट। कोई भी ए मैट्रिक है उसका साइज है एम क्रॉस एस, बी है उसका साइज है एस क्रॉस एन, तो जो उनकी प्रोडक्ट होगी उनका साइज होगा एम क्रॉस एन, जो इन साइड वाले उनको नहीं होगा, जिस आउट साइड वाले हैं वो उनका साइज होना चाहिए। इफ द इन साइड आर सेम, अगर इन साइड सेम हैं देन प्रोडक्ट इज बी डिफाइंड एंड आउट साइड मेंबर गिवन द साइज ऑफ द प्रोडक्ट, आउट साइड जो है वो गिवन होगी साइड, यानी कि अंदर वाली साइड जो है वो सेम होनी चाहिए।
लेकिन कॉलम और दूसरे के रो आपस में बराबर होने चाहिए। इफ द इनसाइड नंबर ऑफ द सेम देन द प्रोडक्ट ए बी डिफाइंड एंड आउटसाइड नंबर आर गिवन साइड ऑफ द प्रोडक्ट। जो बाहर वाले हैं वो जो अंदर वाले जो नंबर हैं जो एस हैं वो इक्वल हैं तो सेम साइज है प्रोडक्ट हो सकती है, और जो बाहर वाले हैं वो जो प्रोडक्ट होगा उसका साइज होगा जो हमारे पास आंसर आएगा। एग्जांपल है कंप्यूट ए बी, ए बी यानी कि ए बी अपन मल्टीप्लाई करें ए और बी को, वेयर ए की वैल्यू दी हुई है 2, 3, 1 माइनस 5 और बी की दी हुई है 4, 1, 3, 2, 6। ए और बी है B1, B2, B3 यानी तीन कॉलम इसके बने हुए हैं। वेयर ए बी वन, ए को पहले इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे आगे 11 माइनस 1, दूसरे से मल्टीप्लाई 0, 13 और तीसरे से मल्टीप्लाई हुआ तो 21, 9। तीनों कंप्यूट करें तो बन जाता है 11 माइनस 1, 0, 13 और 21, 9। ये आ गया ए बी यानी प्रोडक्ट आ गए। नोट फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ ए बी द फर्स्ट इट्स फर्स्ट कॉलम, इस फर्स्ट कॉलम ए बी है, इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम ए, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है कॉलम ए का। यूजिंग बी वन एज वेट सेम होल्ड ट्रू फॉर द कॉलम ऑफ ए बी, इच कॉलम ऑफ ए बी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम ऑफ ए यूजिंग वेट फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ऑफ बी। एग्जाम्पल है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ए और बी की प्रोडक्ट देखते हैं। पहले एक दिए हुए वैक्टर यानी कि मैट्रिक्स दिया, दूसरा बी दिया हुआ है। इफ फॉर्म द डिफिनेशन द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज फॉर्म बाई द कॉलम बाई कॉलम मैनर बाई मल्टीप्लाइंग द सक्सेसिव कॉलम ए बाई बी बाई ए कंप्यूटेशन बार। ये कॉलम सी पहले के ए के 1, 2, 2, 6 और 4, ये जो बी का जो पहला कॉलम है 4, 0, 1, ये से तीनों से ये मल्टीप्लाई होगा पूरे से तो इसका आंसर आ जाता है। ऐसा लिखते हैं 4, column 1 + 0 के साथ ये मल्टी, इसके जो पहला जो कॉलम है पूरे बी के जो मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टी होगी, पहली जो एंट्री है पहले कॉलम के साथ, जो दूसरी एंट्री है 0 दूसरे कॉलम के साथ, तीसरी एंट्री है वो 2 और तीसरे कॉलम के साथ, ये 4, 1, 2, 0, 2, 6, 2, 4, 0 = 4, 12, 8 आ गया। इसी तरह ये जो एंट्री है इसकी सेकंड कॉलम के साथ होगी, और ये थर्ड इसकी एंट्री है वो पूरा जो मैट्रिक्स ए है बी के थर्ड कॉलम के साथ, फिर पूरा जो मैट्रिक्स है बी के फोर्थ कॉलम की एंट्री इस तरह होगी, पहले 3 इसके पहले कॉलम के साथ, दूसरी सेकंड एंट्री है उसके दूसरे कॉलम के साथ, तीसरी एंट्री जो है इसके तीसरे कॉलम के साथ होगी। इस तरह हम कर सकते हैं आसानी से, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो ये इनको फिर गठा करके लिख सकते हैं। एन अनडिफाइनाइट प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी फॉर एंट्री। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, पहले की 2 रो और 3 कॉलम हैं, इसमें 3 रोज और 4 कॉलम हैं। द नंबर ऑफ कॉलम बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ ए, सो बी ए बी बी ए मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि बी ए बी तो क्या लेकिन बी ए इसमें पॉसिबल नहीं है। सो द मैट्रिक्स बी इज साइज 3 by 4 यानी अगर 3 by 4 है, मैट्रिक ए का साइड 2 by 3 है, दी इन साइड नंबर आर नॉट सेम, जो इन साइड नंबर है 4 और 2 ये सेम नहीं है, तो द प्रोडक्ट ए बी नॉट इज अनडिफाइंड, और ए बी प्रोडक्ट बी एक प्रोडक्ट नहीं हो सकती है, ए बी की तो होगी बी ए की नहीं हो सकती है। ओबियसली नंबर ऑफ कॉलम ए मस्ट मैच द नंबर ऑफ रो इन बी इन ऑर्डर फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन सच एज ए बी टू बी डिफाइंड की जाए।
द नंबर ऑफ ए जो रो है, जो कॉलम ऑफ ए को बी के रो के बराबर होने चाहिए डिनर कॉम्बिनेशन के लिए। आल्सो डेफिनेशन ए बी शोज दैट ए बी एज द सेम नंबर ऑफ रो एज ए बी के नंबर ऑफ रो एज जैसे ए की है और सेम नंबर ऑफ कॉलम जितने नंबर एम बी के हैं उसके बराबर है। एग्जाम्पल इफ ए जो मैट्रिक थ्री बाई फाइव, थ्री मल्टीप्लाई फाइव उसका मैट्रिक है और बी जो है फाइव मल्टीप्लाई बाई टू मैट्रिक है। व्हाट इज द साइज ऑफ ए बी एंड बी ए डिफाइन, द प्रोडक्ट ऑफ ए बी ऑफ ऑर्डर थ्री एंड फाइव विल बी रिजल्ट इन थ्री बाई टू। ये जो भी ए बी होगा उसका रिजल्ट जो आएगा ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उनका आंसर होगा वो थ्री बाई टू उसके मैट्रिक का साइज होगा। फॉर बी ए फाइव एंड थ्री नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट रो आर टू विच इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड, जो पहले के कॉलम है दूसरे की रो के बराबर नहीं है तो बी इज नॉट पॉसिबल। सिंस ए हैज फाइव कॉलम बी हैज फाइव रो द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइन इज थ्री क्रॉस टू मैट्रिक्स। ये तो हो गया पहले के तीन रो पांच कॉलम थे, दूसरे के पांच रो और दो कॉलम थे, तीन को ये मल्टीप्लाई हो सकता है। प्रोडक्ट बी इज नॉट डिफाइंड बिकॉज टू कॉलम ऑफ बी डू नॉट मैच थ्री रोज ऑफ ए, तो इसके पहले के थ्री दो दो जो कॉलम है बी के नॉट मैच थ्री रोज ऑफ ए के थ्री रो से मैच नहीं करता, ये बराबर होना चाहिए। डिफिनेशन ए बी इज इम्पोर्टेंट फॉर थियोरेटिकल वर्क एंड एप्लीकेशन बट फॉलोइंग रूल प्रोवाइड मोर इफिशियंट मैथड फॉर कैलकुलेटिंग इंडिविजुअल एंट्री इन बी व्हेन वर्किंग स्मॉल प्रॉब्लम बाई हैंड। रो कॉलम रूल फॉर कंप्यूटिंग ए एंड बी, रो कॉलम रूल जो होते हैं कंप्यूटिंग ए बी के लिए। एक्सप्लेनेशन इफ ए मैट्रिक्स बी इज मल्टीप्लाइज बाई ए वैक्टर एक्स, मैट्रिक्स बी है जिसको एक वैक्टर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इट ट्रांसफॉर्म एक्स इंटू ए वैक्टर बी, तो वो एक्स से एक वैक्टर एक्स बी में बी एक्स में बन जाता है। इफ दिस वैक्टर इज देन मल्टीप्लाइज इन टर्न बाई मैट्रिक, तब दोबारा इस वैक्टर को फिर ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आएगा इज ए बी एक्स आएगा। एक्स को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी एक्स बन गया, फिर बी एक्स को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए बी एक्स बन गया। मल्टीप्लीकेशन बाई बी एंड देन ए, ए बी एक्स इज प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए बाई कम्पोजिशन ऑफ मैपिंग, ए कम्पोजिशन ऑफ मैपिंग बनती। अवर गोल इज टू रिप्रेजेंट दिस कम्पोजिट मैपिंग एज मल्टीप्लीकेशन बाई ए सिंगल मैट्रिक्स डिनोटेड बाई ए बी सो दैट ए बी एक्स इक्वल टू बराबर होकर ए बी इन टू एक्स। पहले एक्स को बी से मल्टीप्लाई किया, बी एक्स को ए से मल्टीप्लाई किया तो ये इंजेक्ट पूरा बन गया, ए बी को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स से ए बी मल्टीप्लीकेशन ए बी को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ए बी एक्स आ गया। ए इज एम क्रॉस एन, बी इज एन क्रॉस पी मैट्रिक, एक्स इज इन आर पी, एक्स से नंबर में यानी कि आर पी में करता है जितने। डिनोट द कॉलम ऑफ बी बाई बी वन बी टू बी एम बी पी, जो कॉलम बी के उसको बी वन और बी पी तक डिनोट कर, देन इंट्रीज एक्स एक्स का एक्स वन एक्स टू एक्स पी, एक्स पी कर जाती हैं तो एक्स होगा बी एक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स टेन एक्स पी बी पी बाई लीनियरली ऑफ लीनियरली मल्टीप्लीकेशन बाई ए बी एक्स से मल्टीप्लाई कर, ए पूरे बी वन एक्स वन बी वन ए एक्स टू बी टू ए एक्स पी बी पी और आ जाएगा एक्स वन ए बी वन एक्स टू ए बी टू एक्स पी ए बी पी। The vector a b x is a linear combination of the vector a a b 1 to a b p using the entries in x as a weight, जो x as a weight के तौर पर use हुआ है। If we
he write these vectors as the column of vectors then we have. तो इस तरह लिख सकते हैं ए बी एक्स इंटू ए बी वन ए बी टू ए बी पी एक्स इस साइड पर आ गया मल्टीप्लीकेशन बाई ए बी ए बी वन ए बी टू ए बी पी ट्रांसफर एक्स इंटू ए बी एक्स वी हैव फाउंड द मैट्रिक्स वी फाउंड कॉलम रो कॉलम रूल फॉर कंप्यूटिंग है रो कॉलम रूल भी है ए बी को कंप्यूट करने की इफ प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड Define then the entries in row I and column J of A B is the sum of the product of corresponding entry from I of A and column J of B. If B I J denote the I J entry in A B, if A is M cross N matrix, then A B I J seven ki entries hain. तो ए आई वन बी वन जे होगा ए आई टू बी जे टू होगा ए आई एन बी जे एन टू वेरीफाई द रूल बी इक्वल टू बी जो कॉलम है बी वन बी पी होगा द कॉलम जे ऑफ ए बी इज ए बी जे वी कैन कंप्यूट ए बी जे द आई थी एंट्री द A B J the sum of the product of corresponding entry from row I of the A in vector B J, which is precisely the computation described in the rule of computing I J entries of A B. Finding specific entries in a matrix product. Sometimes we will be interested in finding specific entry in matrix product without going through the वर्क ऑफ कंप्यूटिंग इंटायर कॉलम दैट कंटेन द एंट्री किस खास एंट्री को प्रोडक्ट करना तमाम काम करें फॉर एग्जाम्पल वी यूज रो कॉलम रूल टू कंप्यूट टू ऑफ एंट्री इन बी कोई दो एंट्री को कॉलम करना चाहते हैं कंप्यूट इन ए बी फॉर मैट्रिक्स इन एग्जाम्पल थ्री वाले जो मैट्रिक्स हैं To find the row 1 and column 3 of AB, consider row of 1 and column 3 of B, multiplying corresponding entry and add the result as shown. जो पहली row है और तीसरे column की entry को just हम आपस में multiply करना चाहते हैं तो इस तरह होगा 2 6 से multiply होगा और 3 3 से multiply होगा यानी कि हम इसको just multiply करना चाहते हैं ये इस तरह आएगा cast column इसका रिजल्ट 21 आएगा फॉर एंट्री इन रो 2 एंड कॉलम 2 ऑफ ए बी द रो ऑफ ए एंड कॉलम 2 ऑफ ए बी इस तरह अगर हम लास्ट पहली यानी कि सेकंड रो को पहले मैट्रिक्स की और दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम में हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी एंट्री इस तरह होगी 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई और -5 का -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 13 आ जाएगा Use dot product rule. Dot product rule को इस्तेमाल to compute and which entry in the product of A and B. A and B की मैं इस्तेमाल कर रहे हैं वेयर ए कॉलम ए मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री में बी भी मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री में सोल्यूशन ए आर द साइज ए का साइज है 2/3 यानी 2 3 दो रोज और 3 कॉलम और बी का साइज है 3 रोज और 4 कॉलम द प्रोडक्ट ए बी जो होगी उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 4 यानी 2 रोज और 4 कॉलम द मैट्रिक्स इन द फॉर्म इस तरह आएगी रो पहले की और बी का पहला कॉलम फिर रो पहले की और बी का दूसरा कॉलम फिर रो पहले की और बी का तीसरा कॉलम फिर रो पहले की और बी का चौथा कॉलम फिर रो दूसरे की और बी का पहला कॉलम फिर रो दूसरे की और बी का तीसरा दूसरा कॉलम फिर रो दूसरे के बी का तीसरा कॉलम फिर रो दूसरे के बी का चौथा कॉलम ये इस तरह मल्टीप्लाई होगा ये आर वन ए आर टू आर द रोज ऑफ वेक्टर है ये आर वन ए आर टू ए वेक्टर की वेक्टर ए की रो है और सी वन बी सी टू बी सी थ्री बी एंड सी बी सी फोर बी आर कॉलम ऑफ वेक्टर बी ये वेक्टर बी के कॉलम है फॉर एग्जाम्पल द एंट्री इन रो टू एंड कॉलम थ्री ऑफ
जो इंट्रीज हैं रो टू में और कॉलम थ्री में ऑफ ए बी कैन बी कंप्यूटेड। यहाँ रो टू और कॉलम थ्री को आपने मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये इस 26 बनता है, यानी पहली सेकंड रो को टू को फोर से मल्टीप्लाई किया, फिर सिक्स को थ्री से और जीरो को फाइव से मल्टीप्लाई किया तो ये 26 बनता है। एंड द एंट्री इन द रो वन कॉलम फोर ऑफ ए बी कैन बी कंप्यूटेड है। रो वन की एंट्री रो फोर कॉलम की एंट्री भी इस तरह बना सकते हैं। ये इस तरह है पहली रो और चौथा कॉलम है। तो पहले कि वन को थ्री के मल्टीप्लाई किया, टू को वन के साथ और ज़ीरो को टू से और फोर को टू को वन से और फोर को टू से मल्टीप्लाई किया तो 13 बन गया। हियर द कंपटीशन ऑफ सेट ये इस तरह होगा, पहला अगर इनको अपन मल्टीप्लाई करें तो पहली रो पहला कॉलम ये मल्टीप्लाई करें, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम। फाइंडिंग स्पेसिफिक रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स प्रोडक्ट। स्पेसिफिक कॉलम ए बी एन गिवन इन द फार्मूला, ये फार्मूला होता है अगर इनको वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी इक्वल टू ए बी वन बी टू बी एन और ए बी वन ए बी टू और बी एन, ये इस तरह होगा। ए जो है पहले मैट्रिक्स से बी के तमाम कॉलम के साथ कॉल मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली द प्रोडक्ट स्पेसिफिक रो ऑफ ए एंड बी एन गिवन द फार्मूला, ए बी है तो ये ए वन भी बी के साथ मल्टीप्लाई हो, ए टू भी ए एम भी बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। एग्जाम्पल द नाइन है फाइंड द एंट्री इन सेकंड रो ऑफ ए बी, ए बी की सेकंड रो फाइंड करें। सॉल्यूशन बाय द रो कॉलम रो द एंट्री ऑफ सेकंड रो ऑफ ए बी कम फ्रॉम रो टू ऑफ ए, रो टू ऑफ ए को ले, पहले रो टू है ए और उसकी बी की दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका आंसर आएगा 5-1। ये माइनस वन फोर से मल्टीप्लाई थ्री, सेवन से मल्टीप्लाई 21 और माइनस फोर थ्री से मल्टीप्लाई माइनस 12, फिर ये सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो इसे 6-8 6-3 और माइनस 8 आ गया, इसका आंसर आएगा 5-1। ये तीन चीज़ आ गई, ये मल्टीप्लीकेशन है। फाइंडिंग ए स्पेसिफिक रो एंड कॉलम ऑफ ए बी, लेट ए और बी दो कॉलम हैं, फाइंड सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो ऑफ ए। सेकंड कॉलम सी टू ए बी यानी ए सी टू बी, पहला ए होगा और उसके दूसरा कॉलम हम लेंगे तो आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। अगर रो वन ए बी की है तो रो वन ए इंटू बी यानी कि रो वन को पहले ए से बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए की रो वन डी और बी को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये इसका आंसर आ गया। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देयर आर स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। Remember that I am represent the m cross n entry matrix and L m x equal to x for r x belong to R m. Theorem that a b m cross n and b and c have the same thing, उनका size theorem same है, सबका same है, which are indicative sum and product are defined, तो sum और product defined हो सकती है अगर size same है। a पहले बी सी को मल्टीप्लाई करें और बाद में ए से मल्टीप्लाई करें इक्वल होगा, अगर ए बी को पहले मल्टीप्लाई बाद में सी से मल्टीप्लाई करें तो इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले ए प्लस
सी को ऐड करें और बाद में ऐसे मल्टीप्लाई करें, सेम में ए बी को मल्टीप्लाई करें या सी को मल्टीप्लाई करें आप उसमें ऐड कर दें, तो बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब बी और सी को ऐड करें, ए से मल्टीप्लाई करें राइट साइड से, तो ये इक्वल होगा ए बी ए को मल्टीप्लाई करें प्लस सी ए को मल्टीप्लाई आपस में ऐड करें, बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डी है आर इंटू ए बी, ए बी को मल्टीप्लाई करें और आर के साथ मल्टीप्लाई करें, इक्वल आर ए पहले मल्टीप्लाई बी के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर आर को बी से मल्टीप्लाई के बाद में एक से मल्टीप्लाई करें, सेम है। इक्वल टू आई एम इक्वल टू ए, ए इक्वल टू ए आई एम, आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन, आइडेंटिटी को जो भी ए से मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम हो आएगी अगर आइडेंटिटी को राइट और लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें किसी मैट्रिक से। प्रूफ प्रॉपर्टी बी टू ई आर कंसीडर्ड एक्सरसाइज फॉर यू, विच स्टार प्रॉपर्टी इफ फॉलो फ्रॉम द फैक्ट दैट मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन करस्पॉन्ड टू द कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसपोजिशन, हम जस्ट प्रॉपर्टी ए को वेरीफाई करेंगे। विच आर द फंक्शन एंड इट्स नो इजी टू चेक दैट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव हियर एंड द प्रूफ ऑफ ए दैट रिजल्ट कॉलम डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, ये सी है कि कॉलम थे सी वन सी टू सी पी है, By definition of matrix B C होगा तो B इस तमाम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है B, और इसी तरह A B C, A जो है B C के वन मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह फ्रॉम अबव वी हैव A B X इक्वल टू A B X फॉर R, A B C होगा A B तो C के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होंगे दोनों, तो A B C इक्वल आ जाएगा। डिस्क्रिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आर इजी एसेंशियली एंड पेयर ऑफ द पैरेंथेसिस इन मैट्रिक्स, एक्सप्रेशन कैन बी इंस्टेड एंड डिलीटेड इन द सेम वे एज इन अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर, इन पार्टिकुलर वी राइट ए बी सी फॉर प्रोडक्ट विच कैन कंप्यूटेड एज ए बी सी आर एज ए बी सी, सिमिलरली प्रोडक्ट ए बी सी डी ऑफ फोर मैट्रिक्स कैन बी कंप्यूटेड एज ए, जो जो फोर मैट्रिक्स है उनको बी अपन मल्टीप्लाई करें तो इसी तरह होगा, अगर ए मल्टीप्लाई बाद में होगा पहले बी सी डी को मल्टीप्लाई करें और ए बी सी को पहले मल्टीप्लाई करें बाद में डी को मल्टीप्लाई करें, या पहले बी सी को मल्टीप्लाई फिर उसको ए या डी से मल्टीप्लाई करें, तो सेम है। आई एम फ्रॉम इट डज नॉट मैटर हो वी ग्रुप द मैट्रिक्स, कोई मसला है कि मैट्रिक्स को किस क्या ग्रुपिंग करते हैं, व्हेन कंप्यूटिंग द प्रोडक्ट जो भी आप ग्रुपिंग करें जिस तरह करें, एज ऑन लेफ्ट राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक इज प्रिजर्व, लेफ्ट राइट मैट्रिक को प्रिजर्व करना है क्योंकि इस तरह को चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। द लेफ्ट राइट ऑर्डर इज प्रोडक्ट इज क्रिटिकल बिकॉज इन जनरल ए बी और बी इज नॉट द सेम, क्योंकि यहाँ ए और बी ए एक जैसे नहीं होते हैं, इट नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज द कॉलम ऑफ ए बी आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम ए, ये दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं कॉलम ए के, वेयर कॉलम बी ए आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द कॉलम बी, तो जो बी है कॉलम बी से कंस्ट्रक्ट होगा। इफ ए बी इक्वल टू बी ए वी सेयर ए बी आर कंप्यूटेटेड विद वन अनदर, एक दूसरे का कंप्यूटेशन है, शो द मैट्रिक्स ए बी डू नॉट कंप्यूट, ए बी को पहले मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया फोर थ्री माइनस टू सिक्स, और बी को मल्टीप्लाई किया टेन टू ट्वेंटी नाइन माइनस थ्री, इन दोनों आपस में सेम नहीं है। फास्ट इंफेसिस तशरीह के लिए वी इंक्लूड रिमार्क अबाउट कम्यूटिविटी विद द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिफरेंट बिटवीन मैट्रिक अलजेब्रा एंड अन ऑर्डिनरी जबरा ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का ऑर्डिनरी जबरा और मैट्रिक्स का जबरा में क्या फ़र्क होता है। वारी इन जनरल आमतौर पर ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होते, फ्रॉम क्लियर फ्रॉम द एग्जाम्पल लेवन द कंसलेशन लॉ डज नॉट होल्ड इन मैट्रिक्स, कंसलेशन लॉ मैट्रिक में होल्ड नहीं करता, इफ दैट इज इफ
ए बी और ए सी आपस में इक्वल नहीं है, डज नॉट ट्रू फॉर जनरल बी एंड सी, तो लाजमी नहीं है कि और बी और सी भी आपस में बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग थ्री मैट्रिक्स ए बी और सी, तो ए बी ये आता है ए बी सी ए सी इक्वल है, ए बी को मल्टीप्लाई करो ए सी को मल्टीप्लाई कर सेम आंसर आता है, लेकिन यहाँ बी और सी आपस में बराबर नहीं है। ए प्रोडक्ट ए बी इज द जीरो मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ए बी जीरो मैट्रिक्स, यू कैन नॉट कंक्लूड इन जनरल दैट इधर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल जीरो, अगर दो प्रोडक्ट हैं उनका हम मल्टीप्लाई करें तो हमें आखिर जीरो मैट्रिक मिलता है, तो हम ये नहीं फैसला कर सकते कि हमने ए जीरो लिया या बी जीरो लिया है, इनमें से कोई भी ए या बी जीरो हो सकता है। ऐसे एग्जाम्पल यहाँ ए कोई मैट्रिक है बी जीरो मैट्रिक है, या ए जीरो मैट्रिक है बी कोई भी मैट्रिक है। एग्जाम्पल दें ए बी को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 14 3 - 2 6। ए बी को मल्टीप्लाई किया, यहाँ बी कोई और मैट्रिक है इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो भी सेम आंसर आ गया। पावर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की पावर क्या होती है, इफ ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स यानी एंड इफ के इज पॉजिटिव इंटीजर, अगर के को पॉजिटिव इंटीजर है देन ए की पावर के डिनोट द प्रोडक्ट ऑफ के कॉपीज ए, की कॉपीज करेगा यानी ए के इक्वल टू ए से ए के जाएगा, व्हाइल आल्सो रिटर्न एज ए पावर जीरो आइडेंटिटी, अगर एक पावर जीरो होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक होगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक, गिवन एम क्रॉस एन मैट्रिक के ट्रांसपोज ऑफ ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक डिनोटेड बाई एक पावर टी, तो जो ट्रांसपोज है उसे जाहिर करते हैं पावर टी के उस कॉलम और फॉर्म इनटू करस्पोंडिंग रो ऑफ ए, जो उसके कॉलम में रो में तब्दील हो जाते हैं, और इफ ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक देन ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ए पावर टी, को एक पावर टी से डिनोट करते हैं, इट डिफाइन टू बी एम क्रॉस एन मैट्रिक दैट इज ऑब्टेन बाय मेकिंग रो ऑफ ए इनटू कॉलम, जिसे रो ए को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज फर्स्ट कॉलम ऑफ ए टी इज द फर्स्ट रो ऑफ ए, जो ट्रांसपोज का जो पहला कॉलम है ओ ए का जो मैट्रिक है उसका पहली रो होगी, द सेकंड कॉलम ऑफ ए टी इज सेकंड रो ऑफ ए एंड सो फॉर्थ। आगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक, ट्रांसपोज ए है मैट्रिक है इसके दो कॉलम है, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इसका पहली जो कॉलम है उसकी पहली रो बन जाएगी और जो इसका दूसरा कॉलम है इसकी दूसरी रो बन जाएगी। एग्जांपल ए है, इसमें ए का ट्रांसपोज ए सी जो पहला कॉलम है पहली रो और दूसरा कॉलम दूसरी रो, बी है इसकी जो पहला कॉलम है पहली रो और दूसरा कॉलम दूसरी रो, इस तरह सी है जिसका पहला कॉलम है पहली रो दूसरा कॉलम है दूसरी और तीसरा रो तीसरी रो बन जाते हैं। थ्योरम ऑफ थ्री ए एंड बी डिनोट मैट्रिक हूज साइज आर एप्रोप्रिएट फॉर आर फॉलोइंग सम एंड प्रोडक्ट, ये थ्योरम कहता है कि ए टी है ए मैट्रिक है ट्रांसपोज ने उसको दोबारा ट्रांसपोज है तो वही पहले वाला मैट्रिक आ जाता है, अगर ए एंड बी ये दो मैट्रिक्स में आपस से जमा करें उनका ट्रांसपोज दें आंसर सेम आता है, अगर ए का पहला ट्रांसपोज दें फिर बी का ट्रांसपोज दें उसके बाद में बाद आपस में उनको ऐड करें तो सेम आंसर आएगा। फॉर एनी स्केलर, कोई भी स्केलर है आर है और आर को पहले ए से मल्टीप्लाई करें उसका ट्रांसपोज दें सेम होगा, अगर ए का पहला ट्रांसपोज दें बाद में स्केलर से मल्टीप्लाई करें, अगर ए बी है उनका प्रोडक्ट करें उनका ट्रांसपोज लें वो सेम है, अगर ए का ए और बी का ट्रांसपोज लें फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करें ट्रांसपोज लेके तो आंसर सेम आएगा। द जनरलाइजेशन ऑफ डी, जो डी है इट प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू फैक्टर, दो से ज्यादा फैक्टर कैन बी स्टडीड इन द वर्ड एज फॉलोअर्स, दिस ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर ट्रांसपोज इन द रिवर्स ऑर्डर, ये रिवर्स ऑर्डर के लिए प्रोडक्ट है।